हेलो एवरीवन, आज आपको लेकर आए हैं हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी में, जो है सुजवा मोड़ बठिंडी में। और ये हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी चलाते हैं डॉक्टर सगीर अहमद, द यंग डायनामिक एंड प्रोफेशनल टू द कोर्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से मैंने भी सर्विसेज लिए हैं। द ओनली बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट इन जम्मू इज़ डॉक्टर सगीर अहमद। और मेरा पर्सनल सुझाव रहेगा आप सब लोगों को कि एक बार डॉक्टर सगीर अहमद की क्लिनिक विज़िट कीजिए। और आप जितनी भी दवाइयां खा रहे हैं जो कि केमिकल से भरी हुई हैं, उन दवाइयों से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, मज़बूत रखने के लिए, आपको यही एक नुस्खा है जो फॉलो करना चाहिए। और इस नुस्खे से आपके शरीर को किसी तरह की कोई फ्यूचर बीमारी पैदा होने का कोई इम्कान नहीं है। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे आपके सामने अभी कर रहे हैं ये कपिंग थेरेपी। इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर सगीर अहमद जो हैं, ये मैंने खुद होते हुए देखा है और इतने प्रोफेशनल तरीके से करते हैं कि पेशेंट को एक ज़रा दर्द फील नहीं होता, महसूस नहीं होता। और ये कराना सुन्नत भी है। और आपके शरीर का वो गंदा खून जो आपके सोमेटिक सेल्स में रह जाता है या फिर आपके बाकी हिस्सों में रह जाता है, मांस में रह जाता है, मसल में रह जाता है, आप सोचते हैं कि डोनेट करने से मेरा ये खून निकलेगा, बट डोनेट करने से आप अपना फ्रेश ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इसकी जगह आप कपिंग थेरेपी कराएंगे तो आपके शरीर में जैसे छोटे छोटे पिंपल्स निकलते हैं या और शरीर में जितनी बीमारियां आपको लग रही हैं, स्किन प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, वो सारे इसी की वजह से होते हैं। इसके लिए आपको एक साल में कम से कम एक बार दो बार ये थेरेपी करानी चाहिए। और आप देख सकते हैं ये गंदा और कितना गाढ़ा खून जो है एक शरीर से निकाला गया है, पेशेंट के शरीर से निकाला गया है। और पेशेंट को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि ये दाग हमारे शरीर पर रह जाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको 24 आवर्स का कुछ जो नुस्खा वो बताते हैं डॉक्टर साहब ये थेरेपी के बाद कि क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या परहेज़ आपको करना है, आपको उसी तरह से वो परहेज़ रेगुलर करना है। और आप अपने शरीर की कई सारी बीमारियां इस गंदे खून को निकलवाने के साथ साथ आप मज़बूत स्वस्थ और स्किन प्रॉब्लम से स्पेशली, इसके अलावा भी जितनी प्रॉब्लम्स गंदे इस ख़राब खून की वजह से होती हैं, उन सारी सारी बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। अब डॉक्टर सगीर की ये कहानी आप सुन सकते हैं यहाँ से कि ये देखो कर इन्होंने कैसे लास्ट में पूरा कवर कर दिया है, यानी कि पट्टी कर दी है। और इस पट्टी के बाद अब पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर जा सकता है। अब ये मशीनें देख सकते हैं सामने, ये आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं खींच कितनी लगानी है, ये वेट के हिसाब से होती है। अगर कोई 60 kg का मरीज है उसको अलग खींच लगानी है, कोई 80 kg का उसको अलग लगानी है, कोई 50 kg का उसकी अलग लगानी है। यहाँ बैठ के ऐसे पूरा बिठा के गले में डाल के हल्की सी खींच लगानी होती है ऊपर की तरफ, ताकि यहाँ पर डीकम्प्रेशन हो सर्वाइकल। उसके बाद ये है हमारा ये सिरा जिम का। अच्छा, एक बार बताएंगे सिरजिंग क्या होता है? क्योंकि हमारे सिरजिंग पेन किलर मशीन होती है, रेडिएशन के जरिए जो डीप पेन होता है इनसाइड द बॉडी उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसके लिए होती है। इसके लिए रेडिएशन होती है, हीट जनरेट करती है ये। स्लोली स्लोली इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आप यहाँ से टेम्परेचर भी टाइमिंग भी एडजस्ट की होती है। इसको सर्वाइकल पे भी लगाते हैं, बैक पे भी लगाते हैं, घुटनों पे भी लगाते हैं, अच्छा। अलग जगह पे जैसे जैसे पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसी में जैसे ये दूसरा है, ये दूसरा निकल आया, ये आगे लोकल एरियाज के लिए, ये आगे बड़े जॉइंट्स जैसे बैक पे लगा, ये आ गया एल्बो पे, आ गया घुटने पे, आ गया उन जगह पे। उसके बाद ये आगे फ्रैक्चर के केस के लिए जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम ये वैक्स पिघला के ना इसके लिए बोलते हैं पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स इसको हम बॉयल करते हैं पूरा तेल की सेकुलर तैयार करते हैं। उसके बाद जो है उसको हम घुटने पे डालते हैं, मतलब जहाँ जो भी जॉइंट फ्रीज होगा ना
अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सगीर साहब को। इनकी क्लिनिक बहुत बड़ी क्लिनिक है, यहाँ कई सारे अलग अलग स्पॉट बना रखे हैं। किसी के जोड़ों में दर्द है, किसी का फ्रैक्चर है, किसी की पीठ में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, ऐसे मैंने आपको जितना मैं दिखा पाया है इस वीडियो के माध्यम से उतना आपको दिखा पा रहा हूँ। अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हैं ये कितने सारे ऐसे स्पॉट बने हुए हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स का, कई सारी लगभग सारी प्रॉब्लम्स का हल है डॉक्टर सगीर साहब के पास इनकी क्लिनिक में। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लगातार इनके नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इनसे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए।